को तो शमशान में नहीं हो पा रहा है दाह संस्कार, पेयजल की हो रही है किल्लत और दिल्ली के घरों में घुसा है यमुना का पानी और सीएम केजरीवाल और एलजी के घरों के आसपास बढ़ते जलस्तर से जो हालात जो हैं वो काफी बेकाबू। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का जो केंद्र बिंदु वो है दिल्ली। इस समय आप देख रहे हैं कि देश की तमाम मीडिया वेब चैनलों पर, राष्ट्रीय मीडिया पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर एक चर्चा है कि दिल्ली बाढ़ में डूब गई है, मृत प्राय यमुना में उसकी गुम लहरों में अचानक सा उबाल आ गया है और पूरी दिल्ली डूबने लगी है। आलम तो ये है कि सीएम के आवास के आसपास भी नदी का जलस्तर हिलोरे मार रहा है और दिल्ली के आसपास के 100 घाट जो हैं वहाँ पर अब शवदाह करना भी लोगों को मुश्किल होता जा रहा है। यूँ कहें कि यमुना में फिर से तरंगे उठ गई हैं, यमुना में फिर से लहरें उठ गई हैं, लेकिन यमुना के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके हाल अब खस्ता होते जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अब बेरंग हो गई है। यूँ तो कहें कि दिल्ली पर जो हमेशा आफत आती रहती है, कभी पानी की किल्लत, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, अब ये आफत है मृत प्राय यमुना में जलस्तर का पड़ना। कहने को तो शमशान में नहीं हो पा रहा है दाह संस्कार, पेयजल की हो रही है किल्लत और दिल्ली के घरों में घुसा है यमुना का पानी और सीएम केजरीवाल और एलजी के घरों के आसपास बढ़ते जलस्तर से जो हालात जो हैं वो काफी बेकाबू। मैंने पहले ही कहा यमुना को मृत प्राय। जब भी आप दिल्ली आइएगा तो आप देखिएगा कि यमुना की ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन पास होती है तो आपको एक बदबू सा नजर आएगा, बदबू की फीलिंग होगी, क्योंकि यमुना में पानी ही नहीं था गया, यमुना में तो दिल्ली का नाला बहता है। अब यमुना नहीं रही, वो एक नाले में तब्दील हो गई, लेकिन बाढ़ आई है, हथनी बैराज से पानी छोड़ा गया है, अचानक यमुना लबालब हो गई है और जो लोग यमुना के अंदर घुस आए हैं अब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यमुना उनके घरों में घुस गई है, लेकिन यथार्थ तो ये है कि वो यमुना के घर में घुस गई। दिल्ली में मृत प्राय यमुना में बाढ़ आने के बाद राजधानी के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। रिंग रोड से लेकर लाल किला परिसर तक में पानी भर गया है, मकान, दुकान, स्कूल, अस्पताल, कहें तो हर तरफ पानी ही पानी है और पानी भर जाने से लोग परेशानी में रहने को मजबूर। निगमकोट घाट पर पानी भर जाने के कारण शवों का दाह संस्कार तक रुकना पड़ रहा है, जो हिंदू धर्म में लास्ट राइट्स है वो भी हो नहीं पा रहे हैं, उससे भी रोक दिया गया है। इस हालात में अब दिल्ली में पेयजल का संकट भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि वजीराबाद के आसपास के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं जलस्तर बढ़ने से वो डूब गए हैं, तो जल आपूर्ति भी वो बाधित होने वाली है। यमुना में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से 4 मीटर तक बढ़ गया है। गीता कॉलोनी, अक्षरधाम की तरफ भी बाढ़ का पानी पहुंच सकता है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित विभिन्न इलाकों में फंसे लोगों को नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स द्वारा लोगों को बचाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ बाढ़ प्रभावित विभिन्न इलाकों में नाव भी चला रही है और नाव से लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी काम कर रही है। यमुना में बढ़ा जलस्तर लोगों के लिए समस्याएं तो हैं और साथ साथ परेशानी के साथ बहुत सारी समस्याओं को ये निमंत्रण भी देते जा रहे हैं। सामने आई कई वीडियो हैं, उन वीडियो में हम देख सकते हैं कि यमुना का पानी अब सड़कों पर भी तेज गति से प्रवाहित हो रहा है और इसकी धारा में खड़े होना भी लोगों को मुश्किल नजर आ रहा है। यमुना से सटे इलाके, खासकर मैं बात करूं कश्मीरी गेट, आईटीओ, सिविल लाइन में बाढ़ का पानी 5 मीटर तक भर गया है।
बाढ़ को देखते हुए कुछ इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है कि भैया यहाँ पे निकलना अब खतरे से खाली नहीं है, अगर आप निकलिएगा तो आप मुश्किलों में फंस जाइएगा, आप अपनी जिंदगी से हाथ भी धो सकते हैं। इन तमाम तरह की मुश्किलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दिया गया है कि निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया, बिना इजाजत के आप सड़कों के इन प्रभावित इलाकों में आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि समस्याएं यहां पर काफी संगीन होते जा रही है। अब दिल्ली की बात रह सकती है दिल्ली के अंदर। सर, दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट जो बंद किया जिन्होंने आपने बताया, इससे जो दिल्ली वासी है, दिल्ली की जनता है, उनको कितनी परेशानी होगी सर? मैंने बताया कि मैक्सिमम 1.5-2 दिन तक, कल मुझे उम्मीद है कि कल तक, कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे, काफी कर पाएंगे, कल शाम तक शुरू कर पाएंगे, क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना, पानी कम होने के बाद उनको मशीनों को सुखाना भी पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उसकी सारी तैयारी है, जैसी पानी कम होगा मशीन सही है। तो दिल्ली के आम क्या खास क्या, दिल्ली के अब पॉश इलाकों में भी एक एक करके जो यमुना का पानी है वो बहते जा रहा है। सिविल लाइन में यमुना नदी का पानी भराया है यह इलाका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के आवास से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ के घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है, जान बचाने के लोग घरों की ऊपरी मंजिल पर चले गए हैं। बाढ़ के पानी से मेट्रो भी पूरी तरह से प्रभावित दिख रही है, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली रास्ते पर 5 फीट तक पानी भर चुका है, जान बचाने के लोग घरों के ऊपरी मंजिल पर शरण ले लिए हैं। बाढ़ के पानी से मेट्रो को प्रभावित दिख रही है, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट भी बंद कर दी गई है, घोषणा कर दिया गया है कि बताया जा रहा है कि अक्षरधाम या लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से यात्री हैं वो ट्रेन पकड़े, अन्यथा यहाँ आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरह से जब तक स्थिति सामान्य नहीं होते हैं तब तक उसको बंद कर दिया गया। डीएमआरसी ने कहा है कि यमुना नदी से गुजरने वाले चार पुल, शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट, यमुना बैंक, इंद्रप्रस्थ, मयूर विहार, सराय काले खान और बॉटनिकल गार्डन और जामिया मिलिया इस्लामिया पर मेट्रो ट्रेन की जो स्पीड है उसे भी घटा दी गई है। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन की स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, क्योंकि जलस्तर बढ़ गया है और ज़्यादा स्पीड चलाने से जो है पुलों में समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए ट्रेनों की जो स्पीड है वो घटाई जा चुकी है। कहा जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से दिल्ली का ये हाल बुरा हुआ है। उधर हथनी कुंड बैराज से 1,00,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, इसका असर भी दिख रहा है राजधानी दिल्ली में। यहाँ तक कहा जा रहा है कि साल 1978 के बाद से पहली बार यमुना का जलस्तर इतना बड़ा है। साल 1978 में दिल्ली में बाढ़ से यमुना ने भारी तबाही मचाई थी और 78 के बाद यमुना शांत हो गई थी, अब यमुना फिर से अशांत हुई है, यमुना में फिर प्रज्वलित हो गई है, यमुना फिर एक बार जीवित होती नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग घर खाली करने की अपील की है। दिल्ली में लोगों को शिविरों और फ्लाईओवर के नीचे आसरा लिया है, वहीं प्रभावित लोगों को शिविरों में स्थानांतरित भी किया जा रहा है। बताते चलें कि गुरुवार 13 जुलाई सन 2023 को दोपहर 1 बजे तक जो जलस्तर है अब तक उच्चतम स्तर पर चला गया था, जलस्तर 208.62 पर पहुंच गया था, उसके बाद से ही जलस्तर स्थिर बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 2 बजे से 3 बजे और शाम 4 बजे तक जलस्तर 208.62 मीटर दर्ज किया गया था, हालांकि 7:30 बजे स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया। इन सबको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी तरह से बंद किया गया है, इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में 1-2 दिनों तक पेयजल की भारी समस्या भी खड़ी हो सकती है। जैसे ही यमुना का पानी कम होगा इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश की जाएगी। यमुना में इस लेवल पर पानी पहुंच गया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी जलमग्न हो गए हैं और जब तक पानी नहीं निकलता है तब तक इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करना एक कीड़ी कील है। उन्होंने कहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं क्योंकि पंप के अंदर मशीनों में पानी घुस गया है, पानी कम होने पर मशीनों को सुखाया जाएगा, बिजली से चलाने पर करंट आ सकता है, इसी वजह से दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। दिल्ली में
एक दो दिनों तक पानी की भारी किल्लत देखने और सुनने को मिल सकती है और लोग भारी किल्लत का समस्याओं से दो चार भी होना पड़ सकता है। तो यमुना की ये कहानी है, दिल्ली की ये कहानी है, लगातार यमुना में बढ़ते जलस्तर और लोग कह रहे हैं कि यमुना लोग घरों में घुस आई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि अतिक्रमण के इस दौर में जहाँ लोग घर जमीन द्वार सब अतिक्रमण कर लेते हैं, हालांकि यमुना की कौन सुनने वाला है। यमुना को भी उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, खुद यमुना की तलहटी में घुस आए हैं और जब यमुना का जलस्तर बढ़कर अपने मुमकिन जगह पर पहुंच रही है तो लोग कह रहे हैं कि यमुना जो है घरों में घुस रही है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए और दिल्ली प्रशासन के लिए और एजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है और दिल्ली की कहानी में कहीं न कहीं एक नया रंग भी घोलने का काम कर रही है और जनता के बीच में एक नई मुसीबत भी विकराल रूप पैदा कर रही है। ये दिल्ली के वो इलाके हैं जो कभी जल पानी पानी के लिए त्राहिमाम करते नजर आते हैं। दिल्ली के कुछ ऐसे भी इलाके हैं यमुना के आसपास के हैं जहां पर जल बोर्ड द्वारा पानी की सप्लाई भी सही तरीके से नहीं हो पाती है, टैंकर आते हैं जल सप्लाई करने के लिए। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, यमुना के खादर क्षेत्र में। आज आलम यह नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमें फोनपे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर वो हमारे पत्रकारिता को बदल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।